शिफ्ट कोड कैसे निकालें घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने जो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, आप अपने जो भी न्यू अकाउंट खुला है या फिर आपका कोई भी ओल्ड अकाउंट है, आप शिफ्ट कोड किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट के अंदर आप अपने जो भी अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालना है वो आपको इस वीडियो में पूरा कुछ बताऊंगा, ठीक है। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो आप जैसे कि किसी भी बैंक पे एक्सेस हो गया, कोटक हो गया, एक्सेस जो भी SBI बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, कोई भी बैंक हो गया, उसका शिफ्ट कोड निकाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर खाता खुलाने जाते हो तो आप उससे मतलब जो भी बैंक का जो भी मैनेजर होता है आप उससे भी पूछ सकते हैं, वो भी बता देगा। और आप अपने मोबाइल से कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, गूगल पे क्लिक करना है। जो भी आपका गूगल पे सर्च बार है उस पर क्लिक कर लोगे, फिर यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। टैप करने के बाद जो भी आपका जिला है, जैसे कि आपका जिला है, उसका आपको यहाँ पर नाम सर्च करना है। आप मेरे दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो इस तरीके से मेरे को पता नहीं करना है तो आप गलत हो, ठीक है। यहाँ पे अभी मेरा जो भी चैनल मोनेटाइज हुआ था, मैंने ऐसे ही जो भी शिफ्ट कोड है मैंने ऐसे ही लगाया था और ये 100% वर्क करता है और यही सही है, ठीक है। हर एक यूट्यूबर उठा के देख लो, कोई भी वीडियो देखोगे तो यही बोलेगा, मतलब अलग अलग तरीका बताएगा लेकिन शिफ्ट कोड यही सही रहेगा। आप मिला के टेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, खुद शिफ्ट कोड सेम मिलेंगे। मैंने भी यहीं से मतलब लगाया था, जो भी मेरा अकाउंट जैसे कि चैनल मोनेटाइज हुआ था शिफ्ट कोड यहीं से लगाया था, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, चित्तौड़गढ़ एक्सेस बैंक शिफ्ट कोड, ये लिख के मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद दोस्तों मतलब ये आपके सामने देख सकते हैं, रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मैंने अभी यहाँ पर सर्च किया था, मेरा जैसे कि मतलब अभी यहाँ पर मैंने सर्च किया एक्सिस बैंक शिफ्ट कोड भिलवाड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे भिलवाड़ा आता है तो मैंने क्या किया, भिलवाड़ा यहाँ पे लिख दिया है, मेरे जो भी जिला है, ठीक है, उसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा एक्सिस बैंक शिफ्ट कोड, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे सर्च करेंगे यहाँ पे सर्च रिजल्ट में आप देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है बैंक का नाम, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड, ठीक है। सिटी यहाँ पे भिलवाड़ा आ चुकी है, शिफ्ट कोड यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है और ये शिफ्ट कोड आप यूज कर सकते हैं, कोई भी ऐसा आपका प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ब्रांच का नाम आ चुका है और एड्रेस पूरा यहां पर आपको फिल हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर आप ये जो भी शिफ्ट कोड है ये उठा के आप अपने मतलब यूज कर सकते हो, ठीक है। ये शिफ्ट होता क्या है, जैसे कि आपका चैनल मोनेटाइज होता है, दूसरी कंट्री से जो भी पैसा आता है उसके लिए आपको ये शिफ्ट कोड यूज करना होता है। जैसे कि आपका जो भी अमेरिका वगैरह से कोई भी देश हो गया जहां से आपको जो भी डॉलर मिलते हैं वो डॉलर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए आपको शिफ्ट कोड चाहिए होता है, ठीक है। सो गाइस, ज़्यादा कुछ लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप अपना एक्सिस बैंक का शिफ्ट कोड निकाल सकते हैं। सो गाइस, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो वाकई में अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तो बाय बाय एंड जय हिंद, वंदे मातरम।